तो इसको हमने थोड़ा बहुत फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हो उसमें शानदार कलर आ चुका है। इसके अंदर डाल देते हैं चिकन, ये दही डालेंगे इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इमरान खान, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और स्वागत है आपका एक मेरे नए ब्लॉग में। तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे, वीडियो नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि अभी काम धंधे का टाइम है, माइंड से फुर्सत नहीं मिल रही है। रोज सुबह शाम सुबह जाते हैं तो फिर रात में लेट आते हैं, तो इस वजह से ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। तो अभी तक तो मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो जाता, लेकिन इसी वजह से क्योंकि मेरे बीच बीच में ब्लॉग नहीं आए तो वॉच टाइम में भी थोड़ा घट रहा है, इस वजह से चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा सभी की दुआओं से, आपके सभी के प्यार से। तो आज फिर हम किचन में आए हैं और हमें बनाना है खाना। तो मैंने ले लिया था, अभी मार्केट में से आ रहा था तो मैंने सोचा चलो चिकन लेते हैं, होटल पे खाने में मज़ा नहीं है, तो मैंने चिकन ले लिया है हाफ के जी। अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ, इसको धो लेता हूँ और प्याज व्याज काट लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं और आपसे बात भी करते रहेंगे और खाना भी बनाते रहेंगे, तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा क्योंकि मैं भी आज अकेला हूँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं तैयारी। तो प्याज भी काट लिया हमने, तो यह लहसुन आज इसका भाव मैंने पूछा तो मेरे होश उड़ गए, 600 रुपए किलो बताया मुझे आज लहसुन का भाव, 600 रुपए किलो। तो इस भाई साहब ने तो बिल्कुल ही अपने आप को काजू समझ लिया है, काजू जैसी इसकी थोड़ी सी हेल्थ हाइट है, इस वजह से इसने अपने आप को काजू तक ले जाना चाह रहा है। काजू भी 500-600 रुपए किलो है शायद, और ये 600 रुपए किलो पर पहुँच गया है, तो ये काजू को ओवरटेक कर रहा है। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम बनाएंगे आज चिकन कोरमा, और ये हमारी फेवरेट हांडी, और ये हमने आपके सामने जो रेडी किया था वो उधर रखा है चिकन। सबसे पहले चढ़ाते हैं हमारी फेवरेट हांडी और इसके अंदर डालते हैं तेल ऑयल, और हम क्या करेंगे पहले इसको तल लेंगे, फिर उसके बाद इसको पीसेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, फिर उसके बाद में चिकन का प्रोसेस चालू करेंगे। एक, दो, तीन। ऑयल हम कम लेंगे क्योंकि अभी चल रहा है हार्ट अटैक का सीजन, चार हमारे यहाँ पर तो मेरी उम्र के लोगों का अटैक आ चुका है और वजह बताई जा रही है कि ऑयल बहुत नुकसान कर रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है ऑयल, तो इस वजह से ऑयल का कम इस्तेमाल करें। और अगर ऑयल खाना है आपको तो आप खाएं अलसी का या फिर जैतून का, बाकी ये ऑयल ख़राब है, सोयाबीन में ऑयल नहीं होता है ऐसा बताया गया है कि सोयाबीन का अगर ऑयल आप खाओगे तो इसमें पाम ऑयल आता है, इससे बहुत नुकसान करता है। तो मैंने काफ़ी कम लिया है, तो अभी सोचूंगी आगे तैयारी करेंगे कि हम अलसी का तेल खाएँ या फिर जैतून का, तो अभी तो जो है वही खा लेते हैं फिर बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे, तलेंगे लहसुन को। तो अब इसको निकाल लेंगे, तो ये भी हो चुका है। तो इसको तो होने देते हैं ठंडा और इसको पीसेंगे, और इधर चिकन है इसको हम डालेंगे, इधर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने थोड़ा बहुत फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हो उसमें शानदार कलर आ चुका है, और इसको हम अब पीस लेते हैं और फिर इसको डालेंगे इस तेल के अंदर। अब इसको हम पीस लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, इधर हमारा चिकन रेडी है, इसे इधर तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर डाल देते हैं इसको। तो
अब हम इसमें डालेंगे आप नमक, हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसको भूनेंगे कम से कम 10 मिनट तक। इसके अंदर डाल देते हैं चिकन, पाँच मिनट भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे इसके अंदर दही। दही को देखो मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, ये दही डालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल फ्रेश दही है क्योंकि हमें गलाना है इसको दही में, ये इसीलिए ये बहुत ही शानदार तरीके से गलेगा। अब इसको छोड़ देते हैं हम 10 मिनट के लिए। तो चलो दोस्तों लेके आते हैं होटल पे से रोटी। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर रुमाली रोटी लेने, तो गरम गरम रुमाली रोटी बन रही है, तो मैंने यहाँ पर अपनी रोटी के लिए ऑर्डर दे दिया है, तो गरम गरम बना के दे रहे हैं रुमाली रोटी बेहतरीन चिकन कौरमे के साथ। तो देखिए दोस्तों ये हमारा चिकन कौरमा रेडी हो चुका है और ये रही हमारी रुमाली रोटी। और इसको खाएंगे, खा के आप बताते हैं हम आपको। ये तो लिया निवाला, गरम आग है,